नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 23 अक्टूबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती को लेकर के। लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को मिल चुका है 2016 पदों का अध्याचन, जल्द ही स्पष्ट होगी क्षैतिज आरक्षण की स्थिति। आप लोग जानते हैं, अशासकीय महाविद्यालयों में पिछले 4 सालों से कोई भी भर्ती नहीं आई है। 3900 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां आनी है, लेकिन इसमें से जो मामला आया वो क्षैतिज आरक्षण को लेकर के अभी भी फंसा हुआ है। यहाँ पर साफ शब्दों में आप लोग दे सकते हैं, पहले चरण में यहाँ पर कुल मिलाकर के 1303 पदों का अध्याचन भेजा गया था और दूसरे चरण में 713 पदों का अध्याचन भेजा गया था। अध्याचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को मिल चुका है, लेकिन शिक्षा निदेशालय ने उसमें महिला आरक्षण की यानी क्षैतिज आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं करी थी। इस वजह से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग शासन को भेजा है प्रस्ताव कि इसमें हमें महिला आरक्षण की क्षैतिज आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करें, और जैसे ही आरक्षण शासन से स्पष्ट हो जाता है उसके बाद आप लोगों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई। हालांकि देखा जाए तो लगभग 1 से 2 महीने का समय हो गया है क्षैतिज आरक्षण निर्धारण करने में, कितना समय लगता है ठीक है, लेकिन अभी तक अधिकारी ये लोग हैं कि क्षैतिज आरक्षण निर्धारित नहीं कर पाए हैं। कब तक करेंगे कोई भी क्लियर यहाँ पर बात भी नहीं लिखी है कि इतना दिन में निर्धारण हो जाएगा ठीक है। शासन प्रशासन के अधिकारी इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं और मामला पड़ा रहता है पेंडिंग में। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, उन्होंने कहा है कि बीएड और डीएड को एक किया जाए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीएड और डीएड की ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक ही उचित रहेंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रेफरेशनल कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी कोर्स चलाने का सुझाव दिया है। वे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई एनसीईआरटी के 57वीं जनरल काउंसिलिंग में बोल रहे थे। दोस्तों, जनरल काउंसिलिंग जो काउंसिल हुई थी उसमें 57वीं थी, उसमें ये बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बीएड और डीएड को एक ही किया जाए। एलटी ग्रेड नियुक्ति पत्र को लेकर के बात कर लेते हैं। आज एलटी ग्रेड के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। 3317 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र है संबंधित जिले के एनआईसी में दिए जाएंगे। हालांकि ये नियुक्ति पत्र आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है, जहाँ से आप लोगों ने कल चॉइस फिल किया था वहीं से आप लोग नियुक्ति पत्र भी डाउनलोड किए गए। तो जिन लोगों को नामित किया गया है डायरेक्टली मतलब सांसद विधायकों या मुख्यमंत्री से देने के लिए, वो लोग जरूर पहुंचे, और जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं किसी कारण से संबंधित जिले के डीआईएस ऑफिस में या एनआईसी में, वो लोग वेबसाइट से भी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर देखो लिखा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 3317 सहायक अध्यापकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर होने वाले समारोह में सीएम के एक क्लिक पर सभी चयनित शिक्षकों के मोबाइल पर नियुक्ति पत्र उपलब्ध हो जाएगा। मतलब वही चीज है कि वहां से एक क्लिक करेंगे, उसके बाद वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र आ जाएंगे, उनको आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। कोई टेंशन लेने की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नामित किया गया है कि डायरेक्टली उनको मुख्यमंत्री देंगे या सांसद विधायक देंगे, जिलों से आप लोगों के पास फोन भी आए होंगे, बहुत लोगों के पास आए हैं फोन, तो वो लोग अपना जरूर जाइएगा ठीक है। UP SSC की बात कर ले तो UP SSC ने आबकारी सिपाही स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कल लगभग 4 साल बाद इसका रिजल्ट जारी हुआ है। 405 पदों पर भर्तियां हो रही थी जिसमें 4900 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया शारीरिक परीक्षा के लिए। शारीरिक परीक्षा का अभी शेड्यूल जारी नहीं किया गया, इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। हालांकि जो अभ्यर्थी चयनित हैं वो अपना आयोग की वेबसाइट से शेड्यूल डाउनलोड कर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। लेकिन शिक्षक भर्ती में 3000 से अधिक पद खाली, यहाँ पर बात हो रही एलटी ग्रेड की। आप लोग देखे हैं कि एलटी ग्रेड में विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, कला हो गया, इसमें बहुत से ऐसे पद हैं जो
खाली चले गए हैं, इसमें सफल अभ्यर्थी नहीं हो पाए हैं, बहुत से पद खाली गए हैं। तो वही लिखा है कि ये नई भर्ती प्रतियोगी छात्र चाहते हैं जल्द से जल्द नई भर्ती आए। कई बार इसको लेकर ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन आयोग ने अभी तक इसका कोई भी निर्णय नहीं लिया है। एलटी समर्थक मोर्चा के संयोजक विक्की खान का कहना है कि एलटी गेट 2018 में खाली रह गए पदों में नया अध्याचन जोड़ करके जल्द भर्ती निकाली जाए। इसके लिए लोक सेवा आयोग अध्यक्ष से मिलने का भी समय मांगा गया है। तो कहने का पेपरों में तो ये आ गया है कि एलटी गेट की नई शिक्षक भर्ती जल्द आएगी, लेकिन वास्तविकता में कब आएगी किसी को भी नहीं पता है। फिलहाल कोशिश कर रहे हैं सभी लोग कि एलटी गेट शिक्षकों की नई भर्ती जल्द से जल्द आए। वहीं पर यह भी लिखा है कि युवा मंच ने जो रिक्त पद पड़े हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी हो गए, यूपीपीसीएल का जो विज्ञापन रद्द किया गया था, वे सारे पद जो हैं लगभग 3 लाख पद, अगर पूरे प्रदेश की बात करी जाए तो युवा मंच भी चाहता है कि जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी किया जाए। कल मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया, साथ में ट्वीट और ईमेल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को भी लेटर भेजे गए। और जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती या अन्य जो सरकारी विभागों में खाली पड़े पद हैं उनकी भर्ती की मांग यहाँ पर भी की गई है। एक और अपडेट है पीसीएस को लेकर, पीसीएस भर्ती के लिए 11 विभाग नहीं भेज रहे हैं पद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश दे चुके हैं, वो ही अनेक विभाग खाली पद भरने में रुचि नहीं ले रहे हैं। उनकी ओर से पीसीएस 2020 भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजा गया है। भर्ती अध्याचन को लेकर अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने मुख्य सचिव को एक लेटर लिखा है और उसमें ये बताया कि इन अभी अधिकारियों ने या इन विभागों ने अभी तक कोई भी पदों का ब्यौरा यहाँ पर नहीं भेजा है। कौन कौन से विभाग है तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है इन विभागों ने नहीं भेजा अध्याचन। ग्राम विकास विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, नगर विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, वित्त सेवाएं विभाग, शिक्षा विभाग, निबंधन विभाग, पंचायती राज विभाग, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग, वन एवं वन जीव की ओर से ये जो अध्याचन है 2019-20 के लिए अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों ये बात जरूर है कि पीसीएस 2020 में पदों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इसमें शुरुआत में जब विज्ञापन जारी हुआ था तो सिर्फ 200 पद थे, उसके बाद 54 पदों का पीसीएस के लिए और अध्याचन आया और 12 पदों का अध्याचन आया आरओएफओ के लिए। तो कुल मिलाकर 264 पद हो गए हैं। 11 विभागों ने अभी तक ब्यौरा नहीं भेजा है और ये नियम है कि अगर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट के पहले जितने भी अध्याचन आ जाते हैं उन सभी पदों को इसी भर्ती में जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पदों की संख्या में अभी और काफी बढ़ोतरी हो सकती है। बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत त्रुटि संशोधन कराने वाले अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए इन आंदोलनकारियों को हटा दिया, वहां से धरना स्थगित करवा दिया। हालांकि इनकी जो सचिव वो हैं सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल, उन्होंने फोन पर आश्वासन दिया है कि 2 नवंबर तक इनकी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। उन्होंने 2 नवंबर तक समय मांगा है। बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव है उन्होंने इनसे वार्ता करी और 2 नवंबर तक इनको समय दिया गया है। ठीक है, एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों के लिए, लिखा है 2 शिक्षक भर्ती यूपी में हुई है, दोनों में मेधावी चयन सूची से बाहर। कितनी विडंबना है कि दोस्तों मेधावी ही चयन सूची से बाहर हो जाती हैं। लिखा है कि अजीब संयोग है, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक चयन की 2 भर्तियां हुई और दोनों में चयन सूची से मेधावी बाहर हो गए। दोनों में अंतर इतना है केवल कि पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें भर्ती में बाहर होने वाले अधिकांश जो अभ्यर्थी थे सामान्य व ओबीसी वर्ग के थे, लेकिन इस बार 69 शिक्षक भर्ती में अधिकतर जो अभ्यर्थी बाहर हैं वो ओबीसी व एससी वर्ग के हैं। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। सीएम के संज्ञान में प्रकट आने के बाद पिछली भर्ती में तो इस सारी खामियां दूर कर दी गई थी और नियुक्ति पत्र दे दिया गया था उनको, लेकिन 69 शिक्षक भर्ती में सबको पता है कि जिनका कम गुणांक है उनका चयन होगा, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं दी हुई है। हालांकि आश्वासन जरूर मिला कि हम इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन जांच कब कंप्लीट होती है, कब वास्तव में निर्णय होता है, ये किसी को भी नहीं पता है। फिलहाल अपडेट यही है यहाँ पर कि बड़ी दुर्भाग्य वाली बात यहाँ पर है। प्राथमिक विद्यालयों में ट्रांसफर को लेकर के बात कर लेते हैं। लिखा है अंतर जिला तबादले की आएगी नई समय सारणी। आप लोग जानते हैं 22 अक्टूबर को इसकी समय सारणी आनी थी, मतलब अंतिम सूची जारी होनी थी, लेकिन मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने आदेश दे रखा, आदेश सुरक्षित कर रखा, इस वजह से 22 अक्टूबर को इसका अंतिम सूची जारी नहीं की गई। अब यहाँ पर लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के 50,000 से अधिक शिक्षकों का अंतर जिला तबादले होने हैं।
सूची जारी होने की तारीख तय नहीं हो पा रही है। पहले 15 थी, फिर 22 अक्टूबर हुई और अब फिर से एक बार डेट की कोई निश्चितता नहीं है। फिलहाल जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाले वीडियोस में आपको जानने को मिलेगा। हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि नया कार्यक्रम तय किया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा रेवेन्यू ऑफिसर की परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी पद पर भर्ती के लिए गुरुवार सुबह परीक्षा के दौरान नैनी स्थित केंद्र से एक मुन्ना भाई पकड़ा गया, जिस अभ्यर्थी की जगह वो परीक्षा देने पहुंचा था वो अभी फरार है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे खेल होते हैं, देखो दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहा था यह मुन्ना भाई और 25,000 में लिया था पास कराने का ठेका और बहुत सस्ते में इसने तय कर लिया था, फिलहाल इसको पकड़ लिया गया है। वहीं पर दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से 7 अभ्यर्थियों को डिबार किया गया। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे रेलवे ग्रुप डी की जो प्रक्रिया थी पहले वो चल रही थी, तो वहाँ पर लिखा है कि अब यहाँ पर इस मामला संज्ञान में आया है। लिखा है कि मिश्र ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान बीते 3 दिन के अंदर 7 अभ्यर्थी ऐसे मिले जिनके स्थान पर परीक्षा किसी और ने दी थी, इन सभी को डिबार कर दिया गया। ठीक है, तो 7 अभ्यर्थियों को यहाँ पर डिबार किया गया रेलवे ग्रुप डी से। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर के। लिखा है कि 25 से जारी होंगे प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा का परिणाम 25 अक्टूबर से जारी किए जाएंगे। 28 अक्टूबर तक सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के 4-5 दिनों के बाद संघटक विद्यालयों की भी कट ऑफ जारी कर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कोविड-19 के कारण इस बार जो प्रवेश प्रक्रिया होगी ऑनलाइन करवाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले छात्र हैं उनके लिए विशेष खबर है। और अंत में बात कर लेते हैं SEE परीक्षा को लेकर के। लिखा है EWS की 6,750 बढ़ेंगे सीटें, 20% ऑल इंडिया कोटा भी होगा लागू। प्रदेश के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए हो रही काउंसलिंग में अभी EWS की लगभग 6,750 सीटें और बढ़ेंगी, साथ ही 20% ऑल इंडिया कोटे का भी लाभ स्टूडेंट्स को मिलेगा। विश्वविद्यालय जल्दी इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर देगा। दोस्तों ये हो गई आज की पूरी अपडेट, ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के मॉर्निंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।